ट्रूमीट शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेष राशि जून 2024 कैसा रहेगा इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव है, ग्रहों के गोचर का क्या एक प्रभाव पड़ेगा, उसी की आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जून के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र आपको 12 जून को मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, बुध आपको 14 जून को मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपको 15 जून को मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा जून के महीने, आपके लगन प्रथम भाव से देखा जाता है और प्रथम भाव के स्वामी मंगल अपने ही राशि मेष राशि आपके लगन से ही गोचर कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। मंगल 45 दिन में एक राशि से ने गोचर करते हैं तो बहुत लगभग 1-1.5 साल के बाद ही वो आते हैं आपके राशि में। तो मंगल के अपने ही राशि में आने से आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, किसी तरह का शारीरिक कोई परेशानी जून के महीने में नहीं दिखाई दे रही। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। अगर संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी सूर्य आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और 15 जून को आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में। तो संतान को लेकर भी आप अच्छे रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे, उनके किसी प्रकार की कोई चिंता आपको नहीं होगी, ना तो स्वास्थ्य को लेकर, ना तो करियर को लेकर, ना तो पढ़ाई को लेकर। 15 जून के बाद और बेहतर हो जाएगा जब सूर्य आपके राशि से तृतीय भाव में से गोचर करते हैं तो अच्छा माना जाता है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह भी पंचम भाव से ही देखा जाता है तो पढ़ाई में मन लगेगी, कोई प्रतियोगिता परीक्षा है तो सफलता मिलने के भी योग है, कई एडमिशन आप मनचाहा लेना चाहते हैं वो भी अच्छा योग बन रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। तो सूर्य की पोजीशन अच्छी है, द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, 15 जून के बाद और बेहतर हो जाएगा। प्रेम प्यार की बात करें तो अभी पंचम भाव से देखा जाता है तो राशि के स्वामी मंगल और पंचम के स्वामी सूर्य 1-12 का कनेक्शन है तो थोड़ी सी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं वो पुरुष हो या स्त्री, उनमें एग्रेशन होगा, उनमें थोड़ी सी जिद्दीपना आएगी, उनमें थोड़ा सा ईगो होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और थोड़ा सा वाणी भी उनकी थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई देगी। और मंगल चूंकि आपके राशि पर बैठे हुए हैं तो आप में भी अग्रेशन रहेगा जिसके कारण दोनों के बीच थोड़ी वैचारिक मतभेद या तनाव हो सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी शुक्र अपने ही राशि वृषभ राशि से 12 जून तक गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव से, उसके बाद तृतीय भाव में आ जाएंगे तो 12 जून तक का समय तो बहुत ही मधुर है वैवाहिक जीवन। अगर 12 जून तक अगर आपके लाइफ पार्टनर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी प्रगति होगी, आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। 12 जून के बाद थोड़ी सी कम होगी लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी गुरु द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं पूरे महीने
और द्वितीय बार उनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, छठा षष्ठम भाव पर, अष्टम भाव पर और दसम भाव पर, तो थोड़ी सी आप लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लें। आपके करीबी आपके शत्रु बन सकते हैं, मीठा बोलकर आपके साथ घात कर सकते हैं और रोग भी थोड़ी परेशान कर सकते हैं। हल्की फुल्की आपको थोड़ी सी रोग से भी ग्रसित कर सकते हैं, लेकिन मंगल आपके अपने लगन में बैठे हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो ऐसे कोई खास परेशानी होने नहीं जा रही। आप कैरियर में आपका भाग्य बहुत साथ देगा। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी खोज रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका अगर प्रमोशन होने का ड्यू है तो वो आपके लिए फायदेमंद है, वो हो सकता है। आपका वर्क प्लेस पर आपकी काम बोलेगी, बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, वहाँ भाग्य का साथ आपको मिलने जा रहा है। थोड़ी सी गाड़ी वाहन अगर चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी होकर चलाएंगे, क्योंकि गुरु की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अगर करियर की बात तो मैं बता दिया आपको, अगर लाभ और इच्छा की बात करें तो वो एकादश भाव से देखा जाता है और एकादश भाव के स्वामी शनि अपने ही राशि से गोचर कर रहे हैं, प्रिय राशि कुंभ राशि से। तो लाभ तो होगा क्योंकि व्यवसाय बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो लाभ होगी। कोई इच्छा है उसकी भी पूर्ति होगी, चाहे वो संतान से संबंधित हो या आपके कैरियर से संबंधित हो। धन की बात करें तो द्वितीय भाव से देखा जाता है, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र आपके द्वितीय भाव से ही अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं 12 जून तक। तो 12 जून तक तो आपका धन का आगमन अच्छा रहेगा। 12 जून के बाद भी होगा, लेकिन 12 जून तक जा 12 जून के बाद से बाद वाले से 11 जून पहले वाले बेहतर रहेगा। वाणी आपके 12 जून तक थोड़ी अच्छी रहेगी, कुटुंबों में आपका साथ मिलेगा और माता का सुख और माता का स्वास्थ्य की बात करें तो वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हर 2 दिन पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि के स्वामी मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का सुख भी प्राप्त होगा। भूमि वाहन अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ी सोच विचार करके ही लीजिएगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही चतुर्थ भाव पर, पंचम आपके भ्रम को भ्रमित कर सकते हैं, आपको गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं। हो सकता है कि आप लें और बाद में पछतावा हो, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उससे निजात पाने के लिए आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते हुए सूर्य को जल दें, तो आपके जो भी परेशानी है उसमें कमी देखने को मिलेगी। कृपया आप लोगों से अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।